शेखी यार, सोच ले, बेटी है तेरी। जानता हूं और हमेशा रहेगी। यार वो बहुत डिस्टर्ब हो जाएगी। शी लव्स यू। और ये जो बच्चे होते हैं ना, खास तौर पे लड़कियां, इनका आइडियल बाप ही होता है। मत तोड़िए बुत। तुम साइकेट्रिस्ट है ना, खामखा इस बात को हवा बनाया। इतना नहीं सोचते बच्चे। शिट यार, मुझे ना तुझे उसी वक्त रोक लेना चाहिए था जब ये सब कुछ शुरू हो रहा था। क्या फायदा होता? नहीं, तू एक बहुत ही मनहूस आदमी है, करता वही है जो तेरा दिल करता है। कम ऑन यार, प्लीज, मुझसे नहीं होगा ऐसा। तुम्हें अच्छी तरह पता, तुम तो एक्सपर्ट हो, निकालो ना कोई तरीका। मैं शादी जोड़ने की कोशिश करती हूँ, तोड़ने की नहीं। यार मुझे इन सबसे बाहर रख, प्लीज। फॉर माई सेक प्लीज डू। बेटा तूने जो कब्र खोदी है ना, इस पे लेटना भी तुझे ही पड़ेगा। हाँ, फातिहा पढ़ने में जरूर आ जाऊंगी। तो तुम नहीं करोगे? नहीं, हाँ तेरे नाकाम रिश्ते की थेरेपी मैं जरूर करूंगी, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, पक्का। सीरियसली यार, अगर तुम ना होती ऑफिस में ना, तो ये हेक्टिक स्केड्यूल में गुजारा कैसे होता? मैं ना होती तो कोई और सही। तुम्हारे दिल में तो ऑलरेडी बहुत सारी गुंजाइश है ना। क्या नाम है मैं तुम्हारी सेक्रेटरीज का? नादिया, आर यू जेलस ऑफ हर? ओह प्लीज, उसमें मुझ जैसा कुछ भी नहीं है। ये वो दोस्त है मेरी, और फिर मेरे साथ तो तुम। या प्यार जो हो गया है तुमसे, वो डैड तुमसे मिलना चाह रहे थे। वो चाहते हैं कि हमारे बीच अब सब कुछ ऑफिशियल हो जाए। लेकिन उनकी एक शर्त है। शर्त? क्या? वो ये कि तुम जल्द से जल्द अपनी बीवी को डाइवोर्स दे दो। कोशिश कर रहा हूँ। कोशिश नहीं, अमल करो, वरना हमारे बीच जो ये रिश्ता है ना, खत्म हो जाएगा सब। शेखी यार, सोच ले, बेटी है तेरी। यार वो बहुत डिस्टर्ब हो जाएगी। शी लव्स यू। और ये जो बच्चे होते हैं ना, खास तौर पे लड़कियां, इनका आइडियल बाप ही होता है। मैं दिल में काफी बार दोहरा चुका हूं जो कहना है, लेकिन मुझे ऐसा क्यों लगता है जैसे सबीना ने वो सब अनकहा सुन लिया हो। मुझे उसकी आंखों में नजर आ रहा है। आज से पहले तो ऐसा नहीं देखा इन आंखों में, लेकिन मैं जानता हूं जितना वक्त लगाऊंगा उतना मुश्किल हो जाएगा, इसलिए बोल देता हूं। समीना, मैं तुम्हें तलाक दे रहा हूं।
और सबीना ने एक लफ्ज भी नहीं बोला। अच्छा हुआ कुछ कहा नहीं, वरना मेरे पास जवाब में बोलने के लिए कुछ नहीं था, बस उठा और चला गया। कमाल है यार, तुम मर्दों के दिलों में चार खाने होने का ये मतलब नहीं कि उसमें चार औरतों की गुंजाइश भी हो। कैसे कर लेते हो यार, हमें तो एक रिलेशनशिप से निकलते निकलते भी सालों साल लग जाते हैं। जानता हूं यार, सबीना भी यही सोच रही। अब मैं उसे क्या, मैं सोफी के आगे दिल हार चुका, और ये कि मैंने उससे शादी अम्मी की वजह से की थी। गाड़ी, पैसा, बंगला सब दिया उसे मैंने, अपनी जिंदगी के 10 साल दिए। हाँ बस मोहब्बत नहीं दे सका, इसका अफसोस है मुझे। पैसा, बंगला, गाड़ी, इन सबसे एक अच्छा एनवायरनमेंट बनता है जिसमें खुशियां भी बांटी जा सकती हैं, लेकिन शादी दुख सुख का साथ है यार, सिर्फ रुपए पैसे का नहीं, एक ऐसा लाइफ पार्टनर जिसके साथ दुख सुख खुशी हम सब बांटा जा सके। एक रिश्ते में छोटी छोटी डिटेल होती हैं जो मैटर करती हैं। अब ये सब बातें तुम मुझे बताओ, जो खुद 2 साल पहले सेपरेशन ले चुकी। रजा को छोड़ना मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल थी, और जब तक मुझे अकल आई वो ये शहर छोड़ के जा चुका था, और उसने दूसरी शादी कर ली। शायद ही कोई ऐसा दिन गुजरे जब मैं उसके बारे में नहीं सोचती। I'm sorry. अब मेरा मकसद तुम्हें हर्ट करना नहीं था। तू ना सबको एक ही लकड़ी से हांकता है, पहले हर्ट करता है और फिर सॉरी। तुम रजा के लिए इतनी इमोशनल हो तो उसे कॉल क्यों नहीं करते, बात करो उससे। मम्मा, मम्मा। जी बेटा। पे क्या हुआ, क्या प्रिंस ने अपनी बेटी को क्या जंगल में ढूंढ लिया, क्या वो मिल गई? प्रिंस अपनी बेटी से बहुत प्यार करता, वो उसके लिए बहुत कीमती थी। मेरे बाबा तो मेरे से प्यार भी नहीं करते, वो तो मेरे बगैर रह रहे हैं ना। ऐसे नहीं कहते बेटा, आपके बाबा आपसे बहुत प्यार करते हैं। नो, बाबा गंदे हैं, उनके पास तुम्हारे टाइम ही नहीं है, वो हर रोज लेट आते हैं। नो, बुरी बात है, जब आप सो रही होती हैं तो बाबा उस वक्त आते हैं और आपसे बहुत प्यार करते हैं, आपको पता नहीं चलता ना, बिकॉज आप सो रही होती हो। पर ये कैसा प्यार, ऐसा प्यार नहीं होता मम्मा। मम्मा मैं आपको एक बात बताऊं, मुझे बाबा बिल्कुल अच्छे नहीं लगते। बहुत बुरी बात है, वेरी बैड। अपने बाबा के बारे में कोई ऐसे कहता है? सॉरी मम्मा। इट्स ओके। मैं उनके बगैर हैप्पी नहीं हूँ, और वैसे सबके पापा भी तो जल्दी आते हैं। अच्छा बस। बाबा आप आज आप जल्दी आ गए। जी बेटा, मुझे लगा आज मेरी बेटी मुझे याद कर। मम्मा पापा को पता चल गया, बिल्कुल उस प्रिंस की तरह बाबा मेरे से प्यार करते हैं। कॉस करते हैं, आप अपने बाबा के लिए बहुत प्रेशियस हैं, बहुत कीमती। कौन सी स्टोरी पढ़ी जा रही है? चलो मैं अपने बच्चे को स्टोरी पढ़ के सुनाता हूँ। द फॉक्स एंड द स्टॉर्क। There was once a time when a fox and a stork were good friends. They enjoyed each other's company.
के डिवोर्स एग्रीमेंट है। मैं ये घर गाड़ी और 30% प्रॉपर्टी तुम्हारे नाम कर रहा हूं। तुम अगर चाहो तो कोई और शर्त भी शामिल कर सकते हो। देखो मैं नहीं चाहता तुम्हारे साथ कोई ज्यादती हो। कहने को तो 3 लव्स हैं, लेकिन मैं चाहता हूं कि तुम्हारा और हमारी बेटी का मुस्तकबिल महफूज रहे। तलाक आम लोगों की तरह भी ली जा सकती है, जरूरी नहीं कि लड़ झगड़ के ली जाए। तुम कुछ कह क्यों नहीं रही हो जब मैं तुम्हें कहने का मौका दे रहा हूं? थैंक यू। लिसन, आई एम सॉरी। तफसील देने से क्या फर्क पड़ेगा? बानूर किसके पास रहेगी? मैं चाहता हूँ वो अपनी सगी माँ के साथ रहे। क्यों? उसकी उसकी सुतेली माँ उसे अपने पास नहीं रख सकती? ये क्या ड्रामेबाज है? मैं सवाल कुछ कर रहा हूँ, जवाब कुछ दे रही। कह तो रहा हूँ ये घर प्रॉपर्टी सब तुम लोगों के नाम कर रहा हूँ ताकि तुम दोनों यहाँ आराम से रह सको। और क्या चाहिए तुम? What? उसने फाड़ दिया? हाँ। सबीना के इस रिएक्शन ने तो मेरी सारी मैथ खराब कर। मैंने 10 साल गुजारे उसके साथ और मुझे लगता है मैं उसे जानता ही नहीं। वाह भाई वाह, क्योंकि आपकी सारी कैलकुलेशंस खराब हो गई। आप मत चाहते हैं कि आप एक लड़की की जिंदगी खराब करें, और अगर वो आपके सामने रोए धोए और ना गिड़गिड़ाए तो आपकी मैथ्स फिजिक्स केमिस्ट्री सब खराब हो जाती है, राइट? आदिल, मैं मानता हूँ मैंने उसका वक्त बर्बाद किया है। वक्त? तुमने उसकी जिंदगी तबाह की है, और वो भी एक बच्ची के साथ। यार ये अरेंज मैरिज थे, कुछ फासले थे हम दोनों के बीच जो नहीं तय हुए, और ये फासले सबीना को ही तय करना था, राइट? एनीवेज, फिर क्या हुआ? फिर वो किचन से बाहर चली गई, जाके सीढ़ी पे बैठ गई, रो पड़ी। फिर तुमने संभाला उसे? नहीं, रो लेने दी। पता नहीं क्यों उसके रोने से ना इसे मेरा दिल हल्का हो गया। काफी बोझ था यहाँ कई दिनों से, उसकी खामोशी मुझ पर बहुत भारी पड़ रही थी। अब सब हल्का है, सब क्लियर है। एक बात क्लियर नहीं है, तुम और सबीना अलग हो रहे हो, और एक बच्ची को माँ के साथ साथ बाप की भी उतनी ही जरूरत होती है। अगर महनूर ने तुम्हारे साथ रहने का डिसाइड किया तो सोफी उसे एक्सेप्ट कर लेगी। What? Are you mad? जिसकी बेटी है वो ही रखे ना? ये मत भूलो कि वो मेरी भी बेटी है, और तुमने एक बच्ची के बाप को पसंद किया। शैक डार्लिंग लिसन, तुम्हारी बेटी अभी ग्रोइंग एज में है, मैं उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसे लूं? मुझे नहीं आता बच्चे संभालना। यू नो व्हाट, डोंट टेक मी रॉन्ग, ट्राई टू अंडरस्टैंड। इस वक्त उसकी माँ से ज्यादा उसका और कोई ख्याल नहीं रख सकता। वो बेटी है मेरी, इसीलिए इतना सोच रहा हूँ। कल को बड़ी होगी, उसे मेरे तहफ्फुज की जरूरत होगी। नहीं, मैं उसे सबीना पे अकेला नहीं छोड़ सकता। बेटा होता तो
माँ का सहारा बनता, मुझे ज्यादा फिक्र की जरूरत भी नहीं थी। इसलिए मैंने डिसाइड किया। क्या डिसाइड किया है? आपने कहा था तलाक के बदले में मैं कोई भी शर्त रख सकती हूँ। मुझे न घर चाहिए, न गाड़ी, न ही पैसा। बस मैं अपनी बेटी की परवरिश एक सिंगल पेरेंट की हैसियत से करना चाहती हूँ। लेकिन उस दौरान मैं चाहती हूँ कि आपकी रिलेशनशिप जो उसके साथ है वो अच्छी हो जाए, क्योंकि आपको वो अच्छा बाप नहीं समझते। I know what you're saying. In fact, शादी के बाद, I mean, मेरी और सोफी की शादी के बाद, मैं मानूर को पूरा टाइम दूंगा, एक अच्छा बाप बनूंगा। I was thinking कि हफ्ते में एक दिन मानूर सोफी के साथ गुजारे, इस तरह उन दोनों की बॉन्डिंग भी हो जाए। ठीक है, एक महीने तक हम लोग भी हैप्पी फैमिली की एक्टिंग तो कर सकते हैं ना उसके सामने। ओके, थैंक्स। आज तो सैटरडे था, तो यू सडनली ऑफिस। मैंने सोचा फॉर्मल इंट्रोडक्शन मेरे सामने ही हो जाए। ओह, हाय मानू। बाबा, ये आंटी कौन है? आंटी? आंटी? स्वीटी, मैं तुम्हारे डैड के ऑफिस में काम करती हूँ। बेटा, बाबा को बाहर जरा काम से जाना, थोड़ी देर में वापस आते हैं। तब तक ये आपका बहुत ख्याल रखेंगे, ओके? बैठो, एंड शी विल टेक केयर ऑफ यू। डोंट वरी, हम साथ हैं। नहीं तो मैं चाहता, यू विल गेट अलोंग वेल विद हर। ओके, सी यू। और कैसी हो तुम? I'm good. You're good? How mean? ये शैक तो कोई और ही शैक लग रहा है। बहुत घुन्नी है ये सबीना। शौहर पे बस नहीं चला तो बच्ची को इस्तेमाल कर रही है अपने घर बचाने के लिए। चलाक औरत। मम्मा पापा, अब मुझे भी तो कोई काम देना। अच्छा मैडम, आप क्या काम करेंगी? कुछ भी। ठीक है, तो आप ऐसा करें कि जाके बाबा का मोबाइल लेकर आए, हम सब एक सेल्फी खींचते हैं, किचन सेल्फी। कैसा आइडिया? हाँ, बहुत अच्छा आइडिया है। ओके, मैं अभी आती हूँ। सेल्फी की क्या जरूरत है? ओह कम ऑन, कितनी बोरिंग हो तुम। हाँ, इसीलिए तो छोड़ रहे हो। तंज कर रही हो? नहीं, तंज नहीं कर रही, हकीकत बता रही। अच्छा भाई, मान ली तुम्हारी बात। मम्मा पापा, पहले मैं आप दोनों की फोटो लूं। ये बेटा रहने दो, सेल्फी ठीक है ना? प्लीज ना मम्मा, प्लीज, आज फैमिली टाइम है। पकड़े और दूसरे को देखे तो वाह मम्मी बाबा, आप दोनों बिल्कुल प्रिंस और प्रिंसेस की तरह लग रहे हैं, देखें। Oh, nice. चले अब हम एक सेल्फी खींचेंगे सब, ओके? ओके। चलो एवरीबॉडी स्माइल। सॉरी बाबा, मम्मा सही कहती हैं, आप बहुत अच्छे हैं, आपके पास बस थोड़ा सा टाइम नहीं है। अच्छा, बातें कम करो, स्कूल जाना है, आपकी वैन आ जाएगी ना बाहर, लेट्स गो। मैं भी पापा।
बाय। चल रिश्तों के हैं धागे से बंधे कितने फसाने। थैंक यू फॉर डूइंग दिस। रिश्तों के हैं धागे से बंधे कितने फसाने जाए तो कहाँ जा So, कैसे थे उसके हाथ? ब्लीच वैक्स्ड? बहुत रफ थे, रॉ, अनमेंटेन्ड। यहां उंगली पे उसके कट का निशान भी था। ऐसे लग रहा था जैसे उसने कभी अपनी केयर ही नहीं की। और वो सोफी किसी चीज को हाथ नहीं लगाती कि नेल्स खराब हो जाएंगे। हर हफ्ते उसके सैलून का अपॉइंटमेंट फिक्स होता है। जाहिर है, एक महबूबा है और दूसरी बीवी। फर्क तो होगा, तवज्जो का। टॉन्ट मार रही। तुझ पे बड़ा असर होना है मेरी टॉन्ट का। अच्छा सुन, रजा की कॉल आई थी। वाव। मैंने भी बस उसकी एक फोटो लाइक की थी। उस दिन तुझे इतनी सारी बातें रिलेशनशिप के बारे में सुनाई। दरअसल वो सारी बातें मैं अपने आप को सुना रही थी। रजा ने बताया मुझे, उसने मुझसे काफी दफा कांटेक्ट करने की कोशिश की थी। इस रिश्ते को खत्म करने में मेरी भी बहुत सारी गलतियां थी। रिग्रेट कर रही हूँ? चलो आज के बाहर लंच पे चलते हैं। गेट रेडी। लंच पे? हाँ लंच पे, वो भी तुम्हारे फेवरेट रेस्टोरेंट। महनू तो घर पे नहीं है और हम ये सब कुछ उसी के लिए कर रहे हैं, राइट? या लेकिन वी आर स्टिल मैरिड, साथ लंच तो कर ही सकते हैं। चलो गेट रेस्ट। और तुमने बताया नहीं तुम्हारा फेवरेट रेस्टोरेंट कौन सा है? ओके। अब तुम ये कहोगी कि मुझे तुम्हारे फेवरेट रेस्टोरेंट का नहीं पता, वो भी शादी के 10 साल साथ गुजारने के बाद। वेल आई एम सॉरी। आई थिंक आप शायद भूल रहे हैं, इन 10 सालों में आप कभी मुझे बाहर खाने के लिए लेकर नहीं आए। चलो ड्रेस चूज करने में तुम्हारी हेल्प करते। नो इट्स ओके। क्यों? क्योंकि मेरे पास कोई अच्छी ड्रेस नहीं है। चलो तुम्हारे लिए कुछ ड्रेसेस लेते हैं फिर चल के। मानू घर पे नहीं है, उसके बगैर जाना अच्छा नहीं लगेगा ना। ऑफ कोर्स अच्छा नहीं लगेगा। फिर किसी दिन चले जाएं। As you say, ma'am. लेकिन घर पे आदमी भूखा तो नहीं रह सकता ना। इसकी हंसी कितनी दिलकश है, मुस्कुराती क्यों नहीं? मैं कुछ बना लेती हूँ आपके लिए। तो इसका मतलब आज लंच डेट घर पर ही? डेट? आप इतना शर्मा क्यों रही हो? अभी सोफी को पता चलता ना वो बहुत एक्साइटेड हो जाती है, उसे बहुत पसंद है फैशन, घूमना फिरना सब।
इट्स ओके। ये मुझे क्या होता जा रहा है, क्या कर रहा हूं मैं? सोफी और सबीना में कंपैरिजन कैसे कर सकता हूं मैं? नहीं, मैं शायद कंफ्यूज हो रहा हूं, लेकिन क्यों? कब जाएगी ये यहां से? ओ, अभी तो सिर्फ 2 ही बजे हैं। मुझे और शकील को शादी की तैयारियां करनी थी और ये यहां इस बच्ची को मैं यहां लुक आफ्टर कर रही हूं। पता नहीं कैसे खत्म होंगे बाकी के दिन। शकील और सबीना क्या कर रहे होंगे इस वक्त? नहीं नहीं, मैं गलत सोच रही हूं। शादी के 10 साल जो औरत खुद की तरफ मुतवज्जो नहीं कर सकी, तो वो अभी भी क्या कर रही हो? मुंह छुपाकर कहीं रो रही होगी। आउच, माय नेल, क्या बदतमीजी है ये? बहुत ही बुरी हो तुम। एक ही दिन में परेशान आ गई हूं मैं तुमसे। तुम्हारी अम्मी ने ये तमीज सिखाई है? मेरी मम्मा को कुछ नहीं कहा, वो अच्छी है, आप बहुत गंदी हैं। ओह लिसन, You and your mom are really disgusting, okay? मुझे घर जाना है। हाँ तो जाओ ना, मुझे भी रखने का कोई शौक नहीं तुम्हें यहाँ पर। बल्कि you know what, hold on, got a good idea. Hey, Shag darling, listen. हाँ हाँ, everything's okay. असल में महानूर बहुत रो रही है। हाँ, घर जाने को कह रही है। नहीं नहीं, सुबह तक तो सही थी, अभी रोने लगी है। क्या करे, बच्ची है ना बेचारी, अम्मी की याद आ रही है। आप झूठ बोल रही हैं। आ रही हो? अच्छा चलो चलो ठीक है, ओके ओके बाय। यू आर अ लिटिल मॉन्स्टर। कहाँ फंस गई हूँ मैं? तुम यकीनन उस सबीना के साथ हो ना? ऑफ कोर्स, महानूर के साथ बाहर आए। और इस सब में तुमने मुझे इग्नोर करना शुरू कर दिया, जैसे मैं तुम्हारे कुछ लगती ही नहीं। हेलो हेलो, स्ट्रेंज, यस रेस्टोरेंट बहुत अच्छा है, है ना? नया, चलो आज तुम ऑर्डर करो, बताओ क्या पसंद है तुम्हें। कम ऑन, There you go. ठीक है ना? Good. ये ऑर्डर कर दो, इतना मुश्किल काम थोड़ी है। ये सब तो बहुत महंगा है। गॉड, क्या महंगा सस्ता लगाया हुआ तुमने। छोड़ो सब, ऑर्डर करो कुछ। बाबा आप गुस्सा क्यों कर रहे हो? क्यों आंटी ने आपको भी डिस्कस्टिंग कहा है? वो मुझे मामा को भी कह रही थी। महानूर चुप करो बेटा, क्या हो गया? नहीं नहीं, बोलने दो महानूर। और क्या था आंटी ने बेटा? और वो मुझे लिटिल मॉन्स्टर भी कह रही थी। वो अगेन अगेन हमें डिस्कस्टिंग कह रही थी। और वो कह रही थी कि मम्मा ने आपको कुछ सिखाया नहीं है। और वो मुझे गंदा भी कह रही थी। ऐसे ही छोटी बच्ची है, नहीं नहीं उससे बात हुई है ना, तो कुछ भी कह रही है अपनी तरफ से। हो सकता है मेरी तरबियत में कोई गलती रह गई हो। बच्चे सच्चे होते हैं, हम बड़ों की तरह नजरें झुका कर झूठ नहीं बोलते। मानूर सच कह रहे हैं, और कमी तुम्हारी तरबियत में नहीं है, किसी की अकल में है। वो मेरे पैसे ऐसे इस्तेमाल करती है जैसे उन पे उसका कोई हक ही नहीं। रात को रेस्टोरेंट में मेन्यू कार्ड पे वो डिशेस नहीं देख रही थी, उनके रेट देख रही थी। या तो वो मेरे पैसे बचाना चाहती है, या फिर वो मेरे पैसों पे अपना हक ही नहीं समझती। और जानती हो मैं घर जाके खाना कैसे मांगता हूँ, जैसे मेरे बाप की नौकर हो। हमारे रिश्ते में गैप की वजह ही है, वो कुछ बोलती ही नहीं है।
बस चुप करके एक दरख्त की तरह दूसरों पे साया किए हो, अपने लिए कुछ मांग लेंगे? उसकी इस खामोशी का फायदा उठाकर मैं अपनी जिम्मेदारियों से जान छुड़ाता हूँ। नॉर्मल लोग ऐसे ही करते हैं ना, जब तक कोई बोलेगा नहीं कोई कुछ कहेगा नहीं। और ये औरत तो ऐसी है कि मर भी गई होगी ना तो किसी को बताएगी नहीं। नादिया क्या बात है, इतनी चुप चुप से क्यों है, जल्दी देखो। रसा रजा की डेथ हो गई। व्हाट? कैसे? आई मीन हाउ? क्या हुआ? वो मुझे बुला ही नहीं सके, उनकी दूसरी शादी भी बस एक साल में ही खत्म हो गई। रजा ने मुझे बार बार कांटेक्ट करने की कोशिश की, मैंने जवाब भी नहीं दिया। राजी आ रहे मुझसे मिलने और एयरपोर्ट पे। एयरपोर्ट में उनको हार्ट अटैक हो गया। शेखी पता है, दरख्त जितना भी मजबूत हो अगर उसे पानी ना मिले ना तो वो अंदर से मुरझा कर खत्म हो जाता। तू अपनी शादी बचा ले, तू अपने रिश्ते को बचा ले, वरना आखिर में ना सिर्फ पछतावा पछता। लहजे में बात करती रही हो मेरी बेटी से? छोटी बच्ची है वो, दिल तोड़ दिया तुमने उसका। बेबी लिसन, मैं सिर्फ उसे समझा रही थी और कुछ नहीं। तुम अभी उसके साथ इस तरह बिहेव कर रही हो जब उसके माँ बाप मौजूद हैं। I wonder तुम कल क्या करोगी, मेरे घर में स्टेप मॉम वाली कहानी दोहराई जाए? मॉम तो मुझे बनना ही नहीं था ना, अभी मेरी एज ही क्या है? तुम ही हो जो 7-8 साल की बच्ची मेरे सर पे मुसल्लत कर दी है तुमने। उसकी मां ने उसको बिल्कुल तमीज नहीं सिखाई। बेबी लिसन, अभी हमारी शादी होने वाली है, हमने बहुत कुछ देखना है अभी साथ। मैं अभी इन औलादों के चक्करों में नहीं पड़ना चाह रही। मेरी बच्ची एक कल्चर्ड बच्ची है और उसकी मां ने उसकी बहुत अच्छी अपब्रिंगिंग की है। हाँ, मेरी तरफ से कमी रह गई थी, मैं मानता हूं, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ था। ओह, तो मैं हूँ तुम्हारी होम रेकर? हाँ, तुम्हारा घर भी मैंने बर्बाद किया है ना? सब बोलो, ऑफिस है ये। देखो, मैंने तुमसे मोहब्बत की है, मैंने कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं किया था कि मैं तुम्हारी बेटी को लुक आफ्टर करूँ। तो तुम्हारे घर और तुम्हारे दिल में मेरी बच्ची के लिए कोई जगह नहीं? मुझे तो लगता है शायद तुम्हारे दिल में तुम्हारी बीवी की जगह बनती जा रही है। ठीक कह रही हूँ। What? Babe, क्या हो गया है?
यू नो ना, तुम्हारी बीवी तुम्हें बिल्कुल तवज्जो नहीं देती है, तुमसे प्यार नहीं करती है। वो मेरी बीवी रोज मेरे मांगे बगैर मेरा खाना टेबल पर रखती है, मेरे लिए मेरे कपड़े धोकर इस्त्री करके देती है मुझे। मेरी खिदमत में उसकी तवज्जो और प्यार था, और उसके हिस्से का वक्त मैं तुम जैसे इमैच्योर और खाली दिमाग वाली लड़की। Behave yourself. How dare you touch me? Get lost. What? Get lost. बाबा, आप मम्मा दोनों क्यों रो रहे हो? कोई दर्द सुनाने। हर मोड़ पे रखी है कोई। ठीक हो तुम? याद पुरानी। थोड़ा और टाइम लेना है तो ले लो, जितना टाइम था वो खत्म हो गया। मामी को प्ले लैंड लेके चले। अरदास डे है ना, एज अ फैमिली उसके बाद तो आपने वो तीन रन बोल ही देना जो दुनिया की कोई भी औरत सुनना नहीं चाहती। तितली के परों पर है लिखा कोई फसाना, हमने ये फसाना तो किसी से भी कहाना। अब कौन मुझे लगा तुम तो, आपको लगा मैं आपको छोड़कर चली गई? डू मी अ फेवर। व्हाट? ज्यादा मुस्कुराया कर, इतनी दिल फरेब मुस्कुराहट है तुम्हारी। मैं अक्सर सोचता था ये मुस्कुराती क्यों नहीं है, बाद में पता चला कि वजह तो मैं हूं। कितना बुद्धू था मैं। हाँ वो तो वो अभी भी हूँ। क्या मतलब? Happy anniversary मम्मा बाबा। Thank you। आपको याद था? और आपको? चले जल्दी से लॉन्स में आए, हमें केक काटना है। जल्दी आए, अभी आए। Thank you। Thank you। उन सब रातों को इंतजार करने के लिए थैंक यू। 10 साल मेरा इंतजार करने के लिए, लेकिन अब तो मैं मजीद इंतजार नहीं करवाऊंगा। वो तीन लफ्ज जो
मैं सोचता था शायद तुमसे कभी ना कह पाऊंगा, अब कहना चाहूंगा। वो तीन लफ्ज जो दुनिया की हर औरत सुनना चाहती है, जो मैं आज तक नहीं कह पाया, आज कहूंगा। I love you. I love you too. अगले 10 साल, 20 साल, 50 साल रोज कह सकता हूं मैं, क्योंकि अब तुम्हारा साथ और तुम्हारा ये हाथ कभी नहीं छोड़ूंगा।